गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले 3 पैराग्राफ्स में जो है वो अध्ययन किया कि कल्पना चावला ने कहा था कि करनाल में एक बच्ची के रूप में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेगी। यही पर्याप्त था कि टैगोर स्कूल से स्नातक शिक्षा के बाद उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की अनुमति दी थी। अपने पिता के भारी विरोध के बावजूद भी वैमानिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि हासिल करने के लिए वो स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अमेरिका गई थी, और बाद में उसने अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में PhD प्राप्त की थी, डॉक्टरेट हासिल किया था। और कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने केप कॉनवेल फ्लोरिडा में स्थित एक लॉन्च पैड है वहाँ से यात्रा शुरू की और एक सफल अंतरिक्ष यात्रा में भाग लिया। भारत से उसके परिवार ने कैनेडी स्पेस सेंटर की कार्यकर्ताओं के साथ खुशियाँ मनाई जब उन्होंने कोलंबिया को ऊपर उड़ते हुए उड़ान भरते हुए देखा। कल्पना का जन्म जो है करनाल हरियाणा में हुआ था, परंतु अमेरिकी उड़ान प्रशिक्षक जीन पियर हैरिसन नाम था उनके हस्बैंड का, से विवाह के बाद वे घोषित अमेरिकन नागरिक बन गई थी। अंतरिक्ष यात्री होने के अतिरिक्त उसे एक इंजन वाले और बहुल इंजन वाले जो विमान जो है उनको, समुद्री विमानों को और ग्लाइडर उड़ाने का जो है वो लाइसेंस जो है वो अनुज्ञा पत्र जो है वो मिला हुआ था। वह एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर निदेशक भी थी। विमान चालक के रूप में अर्हता प्राप्त होने के बाद कल्पना ने एक और चुनौती के बारे में सोचना जो है वो प्रारंभ किया था, और वह चुनौती थी नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम में आवेदन करना। नासा का एक कार्यक्रम था जिसमें एक शटल जो है वो अंतरिक्ष में भेजने की योजना थी, तो उस योजना के लिए आवेदन करने का इसने निश्चय किया। पहले उसे नासा में एक अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप पद पर रखा गया। सबसे पहले उसको एक रिसर्च और साइंटिस्ट के रूप में जो है वो वहाँ पर हायर किया गया कल्पना चावला को, और उसके बाद जो है 1994 में उन्हें नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुना गया। 1994 में जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री थे उनका प्रशिक्षण होना था कि भी कौन कौन जब अंतरिक्ष में जाएगा और उसके लिए वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, किस रूप से तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उस प्रशिक्षण में कल्पना चावला को शामिल किया गया। इसको भी कल्पना चावला को भी अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, और वो समय था 1994। और उसके बाद में आगे क्या हुआ वो चौथे पैराग्राफ में हम देखेंगे, और वो आपके सामने प्रस्तुत है, लिखा है। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, कहने का मतलब ये हुआ कल्पना को जब पूछा गया When asked what it was like being woman in her field, she was replied, जब उसको पूछा गया इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, इस क्षेत्र में एक लड़की होने पर, एक वुमन होने पर, एक औरत होने पर, एक महिला होने पर जो है वो आपको कैसा महसूस होता कि आप एक लड़की हो और इस क्षेत्र में कार्य कर रही हो, तो उसने कल्पना ने क्या जवाब दिया, she replied, उसने जवाब दिया, वास्तव में मैंने कभी नहीं एवर सोचा व्हाइल पर्स्यूइंग का मतलब करते हुए माय स्टडीज, मेरा अध्ययन
और डूइंग एनीथिंग और कुछ भी एल्स दैट आई वाज अ वुमन और ए पर्सन और एक व्यक्ति फ्रॉम स्मॉल सिटी छोटे शहर से और ए डिफरेंट कंट्री और दूसरे देश। देखो कल्पना क्या जवाब दिया, जब कहा कि आप इस कार्य क्षेत्र में एक लड़की के रूप में कार्य कर रहे हो, एक लड़की के रूप में क्षेत्र में कार्य करना और आपको कैसा लगता है, तो उसने कहा, कल्पना चावला ने कहा, उसने जवाब दिया कि मैंने कभी भी मेरे कार्यों को करते हुए या कुछ भी करते हुए, मेरा दिल करते हुए या कुछ भी करते हुए, मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि मैं जो हूँ वो एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, एक छोटे से शहर से संबंध रखती हूँ या एक अलग देश से हूँ, ऐसी बातें मैंने कभी भी जो है वो नहीं सोची, ऐसा कल्पना ने जवाब दिया। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them। ने कहा कि दूसरे लोगों के जैसे मेरे भी सपने थे, जैसे दूसरे लोगों के सपने होते ऐसे जैसे मेरे भी सपने थे और उन सपनों को दूसरे लोगों की तरफ मैंने भी पूरा किया और मैंने भी उनको पूरा करने का प्रयास किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, यानी मेरे साथी थे जो मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने भी या वे भी फॉर्चुनेटली सौभाग्य से ऑलवेज एनकरेज मी, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, एनकरेज, तो उन्होंने मेरे आसपास के लोग थे, मेरे साथी जो थे, उन्होंने भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। एंड से और कहा, वे कहते थे इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, अगर जो आप करना चाहती हो कैरी ऑन तो उसको करो, जो भी आप करना चाहती हो उसको करो, ऐसा वे कहा करते थे। ठीक है, उसके बाद में पैराग्राफ नंबर 5, कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन, पहला स्पेस मिशन इनका जो है वो 1997 में हुआ था, तो पहला जो स्पेस मिशन जो था कल्पना का अंतरिक्ष अभियान जो था, स्पेस मिशन अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष अभियान जो था कल्पना का पहला इन द स्पेस शटल कोलंबिया, कोलंबिया नाम का अंतरिक्ष यान है, कोलंबिया नाम है इसका, और इसी के माध्यम से ये पहली बार अंतरिक्ष में गई थी और दूसरी बार भी जब ये 2003 में अंतरिक्ष में गई थी यही यान था कोलंबिया, और इस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था वापस आते में बॉस, और उसकी पहली यात्रा जो थी पंद्रह दिन 16 घंटे एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। इसकी फर्स्ट कल्पना की पहली उड़ान थी, वैसे कोलंबिया की दूसरी उड़ान थी, पहले सफल हो गई थी 1997 में, दूसरी उड़ान जो है 2003 में हुई थी, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। पहला उड़ान जो है 1997 में सफल हो गई थी और कोलंबिया से की दूसरी उड़ान जो थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी आते समय, वो कल्पना की पहली उड़ान थी और उसमें जो है वो स्पेस शटल कोलंबिया वाज उसकी यात्रा थी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट की। इन 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनटों में जो है उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, पृथ्वी का चक्कर लगाया इन्होंने इस यान ने 252 बार, ट्रेवलिंग 10.45 million kilometers, यात्रा की इन्होंने 10.45 लाख किलोमीटर, और
चालक दल थे जिसमें अमेरिकी तो थे ही, उनके अलावा जो बाहर के जो थे उनमें शामिल थे एक जापानीज था, एक यूक्रेन का था, ये दो अंतरिक्ष यात्री थे बाहर के, और एक कल्पना चावला, तीन और चार जो थे वो अमेरिका के थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग। ये जो चालक दल थे इन्होंने वहां पर क्या प्रयोग किए, वहां पर जब उतर गए तो वहां पर क्या प्रयोग किए, क्या पता लगाया। एक तो सच एज पॉलिनेटिव, परागण जो होता है पौधों में जो परागण होता है उनका पता लगाया वहां पर। किस लिए? टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि अंतरिक्ष में अन्न का उत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने पॉलिनेटिव प्लांट्स जो है परागण का जो है वो आप अंतरिक्ष में ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और मेटल से धातु जो है उसको और ज्यादा मजबूत किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए जो है वो अध्ययन किया उन्होंने। एंड फास्ट कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर की चिप्स जो होती है उसको और तेज जो है वो कैसे बनाया जाए, और प्राइस थे, और इन सभी चीजों का, इन सभी का एक्सपेरिमेंट का, इन सभी प्रयोगों का जो खर्च जो आया वो था अबाउट $56 मिलियन, $56 मिलियन जो है वो इस प्रयोग का जो होगा खर्च आया था उस टाइम में। तो ये जो है वो आपके 5 पैराग्राफ्स जो है वो हुए। अब इसके बाद में जो है वो आपको इस नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसका कल अध्ययन करेंगे। आज ये 5 तक जो है वो आपको करना है, और वीडियो लेक्चर में जब ट्रांसलेशन होता है तो मैंने आपको बताया कि आपको स्वयं को जो है अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का प्रयास करना है, और जब जो है वो आप ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आता, नहीं कर पाते हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप जो है उस वीडियो लेक्चर का सहारा ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जो है उस विषय वस्तु को, उस सेंटेंस पैटर्न को और उस कहानी को अच्छी तरह से समझने में सफल हो पाओगे। नहीं तो केवल जो है जहाँ स्पेलिंग लिखने की हुई, स्पेलिंग लिख करके रख दी, जहाँ क्वेश्चन आंसर्स यानी जो भी एक्सरसाइज जो है वो बोर्ड पर करवाई गई और आपने जो है वो उससे देख करके लिख लिया और रख दिया, तो इससे आपको कोई जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक चीज़ का आप खुद प्रयास करें, और उसके बाद कहीं जो है वो समस्या आती है तो आप जो है वो वीडियो लेक्चर का सहारा ले, अन्यथा आप जो है वो अपने हिसाब से कार्य करें। टेक्स्ट बुक ले आए, टेक्स्ट बुक के माध्यम से जो है वो बढ़िया तरीके से काम करने का प्रयास करें। स्पेलिंग्स मैंने लिखवाई थी, 2 भाग की स्पेलिंग्स जो है वो इसमें तो केवल एक ही है ये पार्ट, और इसकी स्पेलिंग्स भी जो है वो 40-45 स्पेलिंग्स टोटल है, तो मुश्किल से 1 या 2 दिन में जो है वो आप आसानी से कर सकते हो अगर प्रयास करो तो। और स्पेलिंग जब आपको समझ में आ जाएगी तो सेंटेंस अपने आप जो है वो समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं आता है तो आप वीडियो लेक्चर का सहारा लेकर के उसको कर सकते हो। लेकिन जब अभ्यास ही नहीं करोगे कि सर हमारे से ये नहीं होगा, तो ऐसे है ऐसे है, तो जो है वो कुछ भी होना संभव नहीं है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। सबसे पहला काम जो है वो आपका रहता है किसी भी पाठ को समझने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो आपको इसलिए पहले करवाए जाते हैं ताकि जो है वो आप उनको, आपकी नज़र में वो चीज़ें आ जाए तो ट्रांसलेशन करते समय आपको जो है वो परेशानी ना हो। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स अनिवार्य रूप से 10 से 15 डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक आदत बना लो कि आप हमेशा जो है 10 से 15 स्पेलिंग्स याद करें, और 10-15 स्पेलिंग्स याद करने के बाद उससे संबंधित जो लाइनें जो है उस किताब में
उनको जो है वो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करे। गलतियां होगी, इंसान जब सीखने की प्रक्रिया में होता है तो गलतियां स्वाभाविक है। अगर गलतियां ही नहीं होगी तो आप सीधे जो है सीख नहीं पाओगे, गलतियों से ही जो है वो आप सीखोगे। तो गलतियां से आपको घबराना नहीं है, गलतियां होने दो, लेकिन जो है वो प्रयास करो, आप खुद प्रयास करो, ट्रांसलेशन का प्रयास करो, उसको समझने का प्रयास करो, स्पेलिंग्स को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग याद करो। और इसके अलावा आपको जो है वो राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। हमेशा कहते आया हूँ, कई बच्चों के जो है वो राइटिंग जो है अभी भी जो है बहुत खराब राइटिंग जो है मालूम नहीं होता है कि उन्होंने क्या लिखा है, तो उसके अक्षरों के बनावट पे ध्यान दें। इससे ज़्यादा जो है वो आप अगर राइटिंग नहीं सुधरती और कम काम होता है तो आप जो ये पाठ जो जिसमें से ये पैराग्राफ वगैरह जो डाले जा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको ही आप जो है उस कॉपी में लिख दिया करो। तो डेली एक दो पैराग्राफ आप लिखोगे तो जो है वो आपकी राइटिंग में भी सुधार हो जाएगा। नहीं तो स्पेलिंग वगैरह जो लिखते हो उसको बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करो। मैं कहता आया हूँ कि इंग्लिश का जो वर्ड होता है वो उस लाइन को, एक लाइन कॉपी में जिसमें कर रहे हो आप, उसको लाइन को टच करते हुए आपको लिखना है। कैपिटल लेटर का और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है, कौन सा लेटर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, कौन सा ऊपर की तरफ रहेगा, कौन सा बीच में रहेगा। तो इस सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप व्यवस्थित लिखने का अभ्यास करें और दो शब्दों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस रखें। समझने में भी जो है वो, पढ़ने में भी परेशानी ना हो किसी भी प्रकार की, और आपका कार्य जो है वो निताई की एक बहुत ही सुंदर कार्य जो लगे और आगे वाला देखने वाला जो है वो उस चीज़ के शिष्य से जो है वो प्रभावित हो, तो ऐसा ऐसे कार्य की जो है वो मैं आपसे आशा करता हूँ। और इसी के साथ ही आज का जो ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं समाप्त करता हूँ। कल इसका लास्ट भाग जो लेकर के जो है मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।